हेलो गाइस, ये पार्ट टू है चेंजिंग फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशन का। फर्स्ट पार्ट में हमने थ्योरी पढ़ा था और प्रैक्टिकल किया था, जिसमें हमने chmod कमांड की हेल्प से फाइल की परमिशन चेंज की थी। उस टाइम हमने न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ किया था फाइल की परमिशन चेंज करने के लिए। आज हम सिंबल की हेल्प से फाइल की परमिशन चेंज करेंगे। आप इससे पहले वाला वीडियो एक बार ज़रूर देखें ताकि आज के टॉपिक आपको समझ में आए। सबसे पहले मैं ls-l कमांड रन करूँगा। इस कमांड के हेल्प से हम फाइल की परमिशन दे सकते हैं एंटर। यहाँ पे आपको फाइलें और उनकी परमिशन दिख रही होंगी। मैं फाइल 3 की परमिशन को चेंज करूँगा क्योंकि इसका ओनर है नोनाइट और मैं अभी एज अ नोनाइट यूज़र लॉग इन हूँ। यहाँ पे आपको परमिशन दिख रही होंगी। यूज़र के लिए परमिशन है रीड और एग्जीक्यूट की, ग्रुप के लिए परमिशन है रीड की, अदर के लिए कोई भी परमिशन नहीं है। यहाँ पे आपको इसको यूज़र की परमिशन रीड और एग्जीक्यूट। मैं चाहता हूँ यूज़र में से जो होता है एग्जीक्यूट की परमिशन हट जाए, उसके लिए मैं कमांड रन करूँगा chmod परमिशन हटाना यूज़र में से, इसलिए माइनस। कौन सी परमिशन हटानी? एग्जीक्यूट की, इसके लिए एक्स। देन फाइल का नेम, दोबारा से ls-l कमांड। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं यूज़र में से जो होता है एग्जीक्यूट की परमिशन हट गई है। अब मैं चाहता हूँ मेरा जो अदर यूज़र है उसमें जो होता है रीड की परमिशन ऐड हो जाए, उसके लिए मैं कमांड रन करूँगा chmod अदर यूज़र में क्या ऐड करना है, रीड की परमिशन, इसलिए प्लस आर। देन फाइल का नेम, एंटर, ls-l। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अदर में जो होता है रीड की परमिशन ऐड हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो भी परमिशन है ना वो सब हट जाए, मतलब सारी यूज़र से जो होता है हर एक परमिशन छीन ली जाए, उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे chmod ए। ए मतलब होता है ऑल, इक्वल टू माइनस, मतलब सारी परमिशन हटा दो। देन दी फाइल नेम, एंटर, ls-l। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो फाइल 3 से जो होता है सारी की सारी परमिशन हटा दी गई है। अब मैं चाहता हूँ मेरा जो यूज़र है उसको परमिशन जाए रीड और राइट की, ग्रुप को परमिशन जाए रीड की, अदर को भी परमिशन जाए रीड की, तो chmod यूज़र के लिए परमिशन होनी चाहिए रीड राइट, ग्रुप के लिए रीड, अदर के लिए रीड। देन फाइल का नेम, एंटर, ls-l। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यूज़र के लिए रीड राइट, ग्रुप के लिए रीड, अदर के लिए भी रीड। अब मैं आपको बताऊंगा प्लस और इक्वल टू में डिफरेंस। प्लस मतलब होता है कि हमें परमिशन को ऐड करनी है, इक्वल टू का मतलब होता है कि हमें सिर्फ वही परमिशन देनी है। एग्जांपल, यहाँ पे फाइल 3 में जो होता है यूज़र को रीड राइट की परमिशन है। अब मैं चाहता हूँ इसमें जो होता है एग्जीक्यूट की भी परमिशन ऐड हो जाए यूज़र के लिए। देन chmod यू प्लस एक्स, देन फाइल नेम, ls-l, एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़र के लिए जो होता है एग्जीक्यूट की परमिशन ऐड हो गई है। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू का यूज़ करता तब जो होता इसमें से रीड राइट की परमिशन हट जाती, वो भी करके दिखाता हूँ। chmod यू इक्वल टू एक्स, देन फाइल नेम, ls-l, एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हो रीड राइट की परमिशन हट गई है, सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन ही बची है। तो इक्वल टू स्पेसिफाई करता है कि हमें सिर्फ वही परमिशन देनी है, और प्लस बताता है कि हमें परमिशन ऐड करनी है, माइनस बताता है कि हमें परमिशन सबट्रैक्ट या डिलीट करनी है उस वाले पर्टिकुलर फाइल में से। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।